नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सेन। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो सियासत गर्माई हुई है, इस बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार तारीफ हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के ट्वीट के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असली योगी और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भोगी करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की सलाह दी है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार सियासत गर्माई हुई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सामने बीजेपी, मनसे और साथ ही तमाम जो निर्दलीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उन्हें भोगी करार दिया है। जो ट्वीट उनकी तरफ से क्या किया है, उसमें कहा गया है कि ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। ये ट्वीट है जो अमृता फडणवीस ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए लिखा था कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। इस तरीके से महाराष्ट्र में अब योगी बना भोगी हो चुका है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये ट्वीट सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तमाम मस्जिदों के बाहर मनसे के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बचाएंगे। ये अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे को दिया गया है, लेकिन अभी तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा। बजाय इसके वहां गिरफ्तारियों का दौर जारी है। जिस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति द्रविड़ राणा को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में सियासी अखाड़े में महाराष्ट्र तब्दील हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन वहीं आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है, यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहराया हुआ है, जहाँ लगातार लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश पर न सिर्फ धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, बल्कि उनकी आवाज कम कराई जा रही है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए जाएं। ये आदेश उनकी तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि अगर कहीं लाउड स्पीकर बज भी रहा है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 72 घंटे के भीतर करीब 11,000 लाउड स्पीकर को हटाया जा चुका है। तो वहीं कई हजार लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो कम कर दी गई है, यानी निर्धारित मानक के मुताबिक ये आवाज कम कराई गई है इस तरीके से। और भेदभाव नहीं है, सभी धार्मिक स्थलों, फिर चाहे वो मंदिर हो, फिर चाहे वो मस्जिद हो, वहां से जो अवैध है वो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में यही वजह है कि जो लाउड स्पीकर मॉडल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कहीं ना कहीं वो अपने आप में मिसाल बन रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में फिर चाहे वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे हों
या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस तरीके से साफ तौर पर ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ सीख अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो बेहतर होगा, बिना किसी विवाद के किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश भी तमाम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर गिरफ्तारियों का दौर जारी है, खासतौर पर बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो वहीं यूपी में बिना कोई विवाद के इस तरीके से सरकार का सीधा आदेश और मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए, वहीं कई लाउड स्पीकरों की आवाज को कम कर दिया गया और अब पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश का लाउड स्पीकर मॉडल है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अपना भी रही हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियां बटोर रहे हैं। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पुलिस भी एक्शन में है। साफ तौर पर तमाम जो उत्तर प्रदेश में तमाम जिले हैं वहाँ जो पुलिस है वो तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा कर रही है, वहाँ खासतौर पर इस बात पर निगरानी रखी जा रही है कि अगर लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगे हुए हैं बिना किसी परमिशन के तो उन्हें हटाया जाए और अगर परमिशन ली हुई है तो उन लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम किया जाए। सिर्फ परिसर के अंदर तक ही आवाज सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो ये बड़े बदलाव हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं और ना सिर्फ लाउड स्पीकर मॉडल बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन उनका जारी है, फिर चाहे वो माफियाओं गैंगस्टरों पर नकेल कसने की बात हो या फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात हो या फिर तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात हो, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम बड़े एक्शन जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। तमाम आला पुलिस अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल एक्शन में हैं और जो भी आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से मिल रहा है उसका पालन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं और यही वजह है कि तमाम राज्य में देश के उनके उनकी मिसाल जो है वो कहीं ना कहीं दी जा रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने की है और राज ठाकरे ने भी के साफ तौर पर कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे पास महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है कि इस तरीके के फैसले ले सके और महाराष्ट्र में फिलहाल लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गहराया हुआ है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर बजाने को लेकर नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, यहां तक कि बीजेपी के सांसद ग्रिट सुमैया पर हमला हुआ, इस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र से देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के इस अल्टीमेटम के बाद आखिर लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं। हालांकि जो गृहमंत्री हैं दिलीप वालसे पाटिल, उन्होंने जरूर अधिकारियों के साथ बैठक की और ये जरूर कहा कि बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल लाउड स्पीकर की आवाज कम करने को लेकर या फिर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो देखना होगा कि आखिर 3 मई तक उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे के इस अल्टीमेटम का क्या असर पड़ता है और क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र में योगी वर्सेज भोगी का असर लगातार देखने को मिल रहा है, सियासत बेहद गरमाई हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।